आप देख रहे हैं कलम न्यूज़, हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर यातायात पुलिस के द्वारा एक कोरोना का पुतला और तख्तियां लगाकर लोगों के अंदर कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए और लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए आज राजीव चौक पर यातायात पुलिस ने यह पुतला लगाया है और साथ में तख्तियां जिस पर स्लोगन लिखे हुए हैं, अफवाहों पर ध्यान न दें और मास्क पहने, 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, जैसे स्लोगनों को लोगों को समझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए यातायात पुलिस के द्वारा अनेकों ऐसे आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है और चालान जो लोग जो है अवहेलना कर रहे हैं उनके चालान भी यातायात पुलिस के द्वारा काटे जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज अवेयरनेस का कार्य शुरू किया गया है और इस मौके पर अनिल चिंदा यातायात प्रभारी के द्वारा कहा गया है कि हम लोगों को समझा भी रहे हैं, मास्क भी बांट रहे हैं, मास्क पहनने के लिए कह भी रहे हैं, अगर जनता इसमें जो है अनदेखी करेगी तो फिर उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, चालान भी काटे जाएंगे और लोगों पर इस प्रकार की कार्रवाई हमें नहीं करनी पड़े, इसीलिए हम इस प्रकार के अवेयरनेस के तरीकों को अपनाकर जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं ताकि जनता समझ जाए और कोरोना गाइडलाइन की जो पालना करने आसानी से लग जाए। आइए आपको सुनाते हैं इस मौके पर उन्होंने क्या कहा है। यातायात पुलिस द्वारा निर्देशानुसार आज राजीव चौक हनुमानगढ़ जंक्शन में एक कोरोना वायरस का पुतला बनाकर लगाया गया है, जिसमें दोनों तरफ एक निर्देशित किया गया है कि आप इन इनकी पालना करें, जैसे लिखा है मास्क लगाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, 2 गज दूरी रखें और इसके अलावा कोरोना को भगाना है, इंडिया को जिताना है, ये लगाया गया है ताकि आम जन में जागरूकता आए और आम जन जो है सड़कों पर अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकले, अगर कोई ज़रूरी काम है तभी बाहर आएँ और मास्क ज़रूर लगाएं। मास्क जो है वैक्सीन का काम कर रहा है और क्योंकि पहले जब कोरोना वायरस जो फर्स्ट पहल में आया था आम जन का था कि कोरोना वैक्सीन आ जाए और वैक्सीन आने के बाद तुरंत लगाई जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, अब वैक्सीन आ रही है, लगा भी रहे हैं और मास्क ज़रूर लगाएं। आम जन से यातायात पुलिस की तरफ से आग्रह है कि आप कोविड-19 में जो गाइडलाइन जारी की गई है राज्य सरकार द्वारा उनकी पालना करें सख्ती से ताकि आप और आपका परिवार तभी सुरक्षित रह पाएगा। 11 बजे तक दुकान बंद करने का समय, दुकानें बंद हो गई हैं, अब जो लोग जो है इधर उधर घूमेंगे उनके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, उनके उनको समझाइश करेंगे कि आप लोग 11 बजे के बाद अनावश्यक बाहर नहीं निकलें और अगर निकलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ये अभी हमारा अभियान अभी जारी रहेगा, इस तरह का समझाइश का भी कर रहे हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग बाहर नहीं निकले अनावश्यक रूप से। आपने मास्क बांटने का अभियान बहुत पहले भी चलाया था, अब जो द्वितीय लहर आएगी क्या योजना रहेगी आपकी? हाँ, ये राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम उनको पालने करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकले, मास्क लगाएं, घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखें और जो मोस्टली बात होती है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, अफवाहें पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और अब जो ट्रैफिक पुलिस है उनको आमजन को समझाइश भी कर रही है इस तरीके से कि जो टाइम दिया गया है उसके अनुसार ही आप रहें, उसके अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। सभी लोग घर में रहें, मस्त रहें और अगर घूमने का कहीं मन करे तो गूगल मैप पे घूम लें। मैं खुद अभी न्यूजीलैंड हूँ और अमेरिका के लिए निकल रहा हूँ।